सागर जिले के रहली में स्वीट प्लान के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया गया है। विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग चुकी है। मतदान करने के लिए प्रशासनिक अमले के द्वारा तरह तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और रोजाना मतदान जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां और आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रहली के कॉलेज ग्राउंड में स्कूली बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें भारत देश का मानचित्र मानव श्रृंखला के माध्यम से दिखाया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य, जिसका वर्तमान नाम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा गया है, उसको भी मानव श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा हाथ में बोर्ड लेकर मतदान करने का संदेश दिया गया। रहली के समस्त स्कूलों के लगभग 3,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। SDM गोविंद दुबे, SDOP प्रकाश मिश्रा, थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी, तहसीलदार राजेश पांडे, नायब तहसीलदार रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से रेंजर नीरज बेचन, ब्लॉक अधिकारी इंदुनाथ तिवारी सहित समस्त अधिकारियों ने अपने विचार इस दौरान रखे और मतदान का महत्व समझाया। देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों का संचालन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका जनपद दोनों का सहयोग लेते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। रंगोली, मेहंदी, वॉल पेंटिंग, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज विशाल मानव श्रृंखला भारत माता के मानचित्र को बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। करीब 3,500 बच्चे इन्होंने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, और इसका प्रयास हमारा उद्देश्य ये है कि मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता आए और 17 तारीख को सभी लोग घर से निकलें और अधिक से अधिक अपने मताधिकार का उपयोग करें। लगभग कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे, कितने स्कूल शामिल हुए थे इसमें? हमारे रैली के करीब 18 से 19 स्कूलों के करीब 3,500 बच्चे शामिल हुए। मतदान कर रहे हैं, इसलिए हम सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो हमारे लिए कुछ काम करे। और हमने यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाकर सबको यह संदेश दिया है कि हमारे भारत से 100% मतदान होना चाहिए। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं जी?